सो हेलो एवरीवन, ज्वार स्टडी टू पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस क्लास में पूर्वी सिंहभूम का एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करने वाले टॉप 20 प्लस। जैसा कि ईस्ट सिंहभूम का कंप्लीट जनरल नॉलेज हम लोगों ने 6 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी पार्ट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन थ्योरी वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है सो प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। ईस्ट सिंहभूम जीके के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। देन आप उस थ्योरी पार्ट को कवर करने के बाद आप इस एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 10 फरवरी 1990, 16 जनवरी 1990, 15 फरवरी 2010 या फिर 16 जनवरी 1993 को। तो पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना बात करें 16 जनवरी 1990 ईस्वी में हुई थी। कहीं कहीं पर आप लोगों को यह 16 नवम्बर भी दिख सकता है, तो यदि ऑप्शन में 16 जनवरी नहीं है देन आप लोगों को 16 नवंबर 1990 को ही टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, गढ़वा, देवघर, कोडरमा। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय स्थित है जमशेदपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल आप लोगों को अप्रोक्स में दिया हुआ कुछ एक्यूरेट डाटा के आगे पीछे भी रह सकता है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे 2700 वर्ग किलोमीटर, 2500 वर्ग किलोमीटर, 4042 वर्ग किलोमीटर या फिर 3533 वर्ग किलोमीटर। तो अप्रोक्स में बात करें 3533 वर्ग किलोमीटर पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? 2, 3, 4, 1। तो कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल। जिला निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड थे? 7, 9, 8 या फिर 14। तो कितने प्रखंड थे? 9 प्रखंड। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड है? वर्तमान समय की बात करें कुल प्रखंडों की संख्या 7, 14, 11 या फिर 8 है। तो वर्तमान समय में 11 प्रखंड है। पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी कितनी है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी की बात करें कितनी है? 22,93,919। पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर कितनी है? 75.49%, 72.33%, 76.06%, 86.51%। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का साक्षरता दर की बात करें तो वह है 75.49%। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 225, 644, 591 या फिर 310। जनसंख्या घनत्व 644 है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंग अनुपात कितना है? 949, 898, 934, 985। पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंग अनुपात 949 है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? हो, संथाल, मुंडा। तो कौन सी है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम की खान किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, देवघर या फिर रांची में। जादूगोड़ा की यदि हम लोग बात करें यूरेनियम की खान जो कि प्रसिद्ध है, यह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। यूरेनियम के लिए और कुछ क्षेत्र है जो कि वह प्रसिद्ध है, जैसे कि तुरामडी, नरवा पहाड़ और जादूगढ़ा। टाटा स्टील प्लांट जुबली पार्क एवं किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? घाटशिला, आदित्यपुर, जुगसलाई, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, 1949 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जेसिस द्वारा स्थापित XLRI किस शहर में स्थापित किया गया है? रामगढ़, सिमडेगा, हजारीबाग, जमशेदपुर। स्थित है जमशेदपुर में। भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? रामगढ़, सिमडेगा, हजारीबाग, जमशेदपुर। तो कौन सा शहर जाना जाता है? जमशेदपुर शहर। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम से कुछ बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज की क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके PYQ को डिस्कस करने वाले, यानी कि पूर्वी सिंहभूम से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और जो JCC के प्रीवियस ईयर SI एग्जाम हो गया, झारखंड पुलिस या 2019 का उत्पाद सिपाही, IRB, झारखंड पुलिस, इन एग्जाम में जो पूर्वी सिंहभूम से संबंधित प्रश्न बने हैं उनका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। और जो भी कैंडिडेट बात करें स्पेशली पूर्वी सिंहभूम चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने पढ़ाई को और
तेजी से करें, क्योंकि आप लोगों का सबसे पहले रिटेन एग्जाम ही होगा, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा और रिटेन एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ यदि नोटिस आता है रिटेन एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ